मैं हूँ मयूर। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से प्रैक्टिस करके आप अपनी आवाज़ को खोल सकते हैं, खुले हुए गले से अच्छी आवाज़ में गा सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ ही बेल आइकन को दबाएं मेरा हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बेहतर ढंग से समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखें और मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आप किसी भी तरह की गायकी पसंद करते हैं, आप कुछ भी गाते हैं, ये ज़रूरी है कि आप अपनी नेचुरल वॉइस में और खुली हुई आवाज़ में गाएं। जो भी चीज़ गा रहे हैं उसमें आपका पूरा जो ओरिजिनल साउंड है वो आना चाहिए। कुछ लोगों को जानकारी नहीं होती है, इस वजह से मुंह ठीक से नहीं खुला होता गाते टाइम, और मुंह से ही सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ चीज़ों को कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो ओरिजिनल साउंड है वो कहीं खो जाता है। जितनी एनर्जी हो सकती थी आवाज़ में, रेंज में, वो नहीं रहती है। वो तभी आएगी जब आप पूरा कोई रुकावट ना बने उसके बीच में, और पूरा खुले हुई आवाज़ में खुले गले से गाएं। तो उसकी सिंपल सी प्रैक्टिस है, कुछ इसमें ऐसा टेक्निकल नहीं है। अगर आप शुरू से ही अपने रियाज में इस चीज़ को ढाल लेते हैं तो ये आपकी आदत बन जाता है। तो आप ध्यान दें, जो भी सरगम आप करते हैं, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि आप वो आकार में ज़रूर करें। तो ये जो आकार है ये आपकी इन सारी मसल्स को फ्री करता है। इसका रीज़न ये है, आकार करने का रीज़न ये है कि विदाउट आपके कुछ सोचे आकार करते टाइम आप कुछ सुर तो गा नहीं रहे, मुँह से रेगा वह शब्द तो बोल नहीं रहे, आपका मुंह खुला हुआ है और उस खुले हुए मुंह से ही आपके सारे सुर निकल रहे हैं, सुर सारे निकल रहे हैं, लेकिन आपका ये मूव नहीं कर रहा है, और इसीलिए ये किया जाता है। इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि आप इस पोर्शन को पूरा अपने को फ्री कर सकें। ये फ्री होगा तो सिंगिंग में भी ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी आप आकार में कर रहे हैं तो आपको आदत पड़ रही है स्वरों को गाने की आकार में। ऐसे ही जब आप गाना गाएंगे तो शब्द भी गाते हुए, वो क्योंकि आपकी आदत में है तो शब्दों के साथ भी वो फ्री रहेगा ये पोर्शन। और जब ये पोर्शन फ्री रहेगा तो आपके जो गाने का जो उच्चारण है, जो शब्द आप बोल रहे हैं, वो एकदम फ्री निकलेंगे और खुले हुए गले से। आकार करते टाइम आप इतना याद रखें कि जब आ करते हैं तो वो क्लियर आ आना चाहिए, अ नहीं होना चाहिए, या नाक का साउंड अ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और कम से कम आपको अगर अंदाज़ा ना लगे कि कितना मुंह खोलना है तो अपनी इन तीन उंगलियों को अपने दांतों के बीच में आप लगाकर देख सकते हैं ऐसे ऐसे। मैं थोड़ा आपको गा के बताता हूँ प्रैक्टिस कैसे आपको करनी है। ये तानपुरा प्ले किया है मैंने, शीशाप पहला काला मेल स्केल। इसमें मैं सिंपल सरगम में आपको बता रहा हूँ, ये आपको सेम अप्लाई करना है। सारे सिंपल। अब आकार में जब आप इसे करते हैं तो किस तरह एकदम फ्री आपको साउंड रखना है अपना, कोई रुकावट नहीं, यहां से यहां तक कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उसमें। आपका कम खुला हुआ और आपको लगे कि मेरा मुंह पूरा खुला हुआ है, तब आप अपने को चेक कर लें। इसे आदत में लाने के लिए अपने रेगुलर रियाज में आप इस चीज़ पर फोकस करके 10 मिनट रियाज कर सकते हैं, उतना काफ़ी है शुरू में। वैसे जितने भी सरगम आपको करने हैं वो आकार में तो आप करते ही हैं, तो थोड़ा सा मुंह कितना खुला ये फोकस करके उस चीज़ को आप कर लें तो उसका आपको और ज़्यादा फायदा होगा। और एक चीज़ ध्यान रखें कि तार सप्तक में भी आप ये ना सोचें कि
और ऊपर तक मुझे गाना है, इसलिए मैं अपने मुंह को ऐसे बंद करता हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश करूँ साउंड को। आप जहाँ तक भी जा सके वहाँ तक पूरा मुंह खुला होना चाहिए आपका। हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन यही आपको प्रैक्टिस करना है। मैं थोड़ा सा आपको गा के बताता हूँ। इस तरह से तभी आपकी जो नेचुरल वॉइस है वो अच्छी होती है, और एक आपकी जो ओरिजिनलिटी, जो आपकी पहचान है आवाज़ के रूप में, वो तभी बनती है। ये नहीं है कि थोड़ा सा ऊपर गए तो आपकी आवाज़ बदल गई, आप फॉल्सेटो में गाने लग गए, है ना। आपकी जहाँ तक रेंज है वहाँ तक आप ईमानदारी से, सच्चाई से उस खुली हुई आवाज़ में ही गाएं। बेसिकली हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम इस पोर्शन को पूरा फ्री रखें गाते समय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा लेसन, अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।